इन सारी बातों को ध्यान में रखें। एक और संकट आता है, जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा। जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था, टैक्सी वाला भी सोचता था कि ये इनको कहाँ ले जाऊंगा, तो आता नहीं था। ठीक, अभी आपने देखा होगा स्टेशन कुछ ऐसी गैंग रहती है, वो सीधी एयरपोर्ट, अरे आइए आइए, नमस्ते, आप वहां से जीत के आए, आइए आइए आइए, अरे गाड़ी रेडी है, न पहले आपने देखा न देखा, कैसे आ गया भाई वो। ये दिल्ली की एक दुनिया है जी, और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे, आप इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगु बन जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं, खाना कहां खाने के लिए जाना पता नहीं है, पार्लियामेंट जाना है कैसे जाना, वो कहते हैं चिंता मत करो मैं ले जाता हूं। तीन चार पांच दिन में तो आपकी, मनुष्य का स्वभाव है, ऐसी दोस्ती हो जाती है, फिर करता है यार इसको कहां निकालू, और एक दो साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है, और इस खेल के अंदर आपका बर्बादी हो गई। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। यहां जब पुराने, उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं, और एक बार परिचय हो जाता है, आंख की शर्म आ जाती है, फिर निकाल नहीं पाते आप, पता चलने के बाद भी नहीं निकाल पाते, मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पुराने एमपी भी आपको कहे कि मेरा ये अच्छा है, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं, इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा, बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी। आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए, जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो, अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी, वो अच्छों अच्छों को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है, और इन चीजों से हमको बचना है। और मैं जानता हूं देश से सुनता होगा, लेकिन सच बातें बता देनी पड़ती है भाई, क्या करे अब, बाहर कल क्या कर चल रहा हूं, इस चिंता में मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दे सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहता हूं एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे, अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए, चेकिंग जी, हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं उभा रहना, खड़े रहना चाहिए। ये चीजें मैं आज क्यों कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब देश और वहां 500 मोबाइल फोन से फोटो निकालते रहते हैं, और फिर सोशल मीडिया में आ जाए तो आप, यार ये किसने कर दिया, किसने कर दिया, फिर आपको क्या गलत किया उसमें चिंता नहीं थे, किसने किया उसके पीछे आप समय बर्बाद करते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना, कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। सामान्य मानवीय के मन में इन चीजों का असर है जी, हम जितना सामान्य मानव, हमारे मनोहर पर्रिकर जी की पहचान यही थी, पहचान यही थी, और वो अपने आप में एक बड़ी ताकत थी जी, बहुत बड़ी ताकत थी। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें हैं जो अच्छाई से जो लोगों ने किया है, और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। साथियों, हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर आए हैं, मतलब हम पर दायित्व तो बहुत बड़ा है, क्षेत्र के काम एक हैं, लेकिन आप एमपी हिंदुस्तान के हैं, देश के हैं, भारत के हैं, आपको केरल की भी चिंता करनी है, कश्मीर की भी चिंता करनी है, सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपने राज्य की नहीं, अपने आप को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से डेवलप करना होता है। आपको कई निर्णय करने आते हैं, आप लॉ मेकर हैं, और मैं मानता हूं कि हम कुछ भी करें तब उन कसौटियों से हम खड़े हैं, नहीं वो देखते रहिए तो गलतियां कम से कम होगी, गलतियां नहीं होगी मैं कह नहीं सकता हूं कि हम मनुष्य हैं, मुझसे भी होती है, लेकिन कम से कम होगी। एक महात्मा गांधी ने बहुत सरल रास्ता दिखाया है, महात्मा गांधी ने सरल रास्ता ये दिखाया है कि आप कोई भी निर्णय करो, आप उलझन में हो, दुविधा में हो, तो पल भर के लिए
आखिरी छोर पर खड़े हुए आखिरी इंसान को याद कीजिए और सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो उसका भला करेगा कि नहीं करेगा। गांधी, दीनदयाल और लोहिया, इन तीन महापुरुषों की विचारधारा से पले बड़े लोग आज हिंदुस्तान की राजनीति पर प्रभाव पैदा कर रहे हैं, किसी भी दल में क्यों न हो, लेकिन मुख्यतः इन तीन विचारधाराओं से निकले हुए लोग हैं। इन तीन में सेंट्रल आइडिया यही है, गांधी हो, दीनदयाल हो, लोहिया हो। और दूसरी कसौटी है बाबा साहब आंबेडकर की तपस्या का, जिस पर छाया है वो हमारा संविधान। बाबा साहब आंबेडकर की उस तपस्या का उसके अंदर अर्क है, उसको हम, मैं भारत के संविधान के अनुरूप कदम उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं। अगर दो हमारे कसौटी के माध्यम होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को एज ए इंडिविजुअल कभी कोई शिकायत का कारण बनेगा, कभी दल के रूप में नहीं बनेगा, कभी सरकार के रूप में नहीं बनेगा।